अरे पानी ले आओ कोई, कि अभी तक पानी ही नहीं लेके आ पाई। ये लो मम्मी जी, तेरी जिठानी क्या कर रही है? मम्मी दीदी तो शायद अभी तक सो रही है। सो रही है अभी तक? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? दरवाजा उनके बंद थे, भैया की छुट्टी है शायद, इसलिए मैंने जगाया नहीं उनको। चल ठीक है, जा तू अपना काम कर। ठीक है मम्मी जी। ए भगवान, कितनी गहरी नींद आई आज। ये भी नहीं है, ये भी चले गए, हो सकता है पार्क चले गए हों। हे बाप रे, 8 बज गए, आज तो टाइम ही नहीं पता चला। आज तो मम्मी बहुत सुनाएंगी। क्या करूं क्या करूं, ऐसा करती हूँ पानी डाल के ऐसे ही नहा लेती हूँ, बाकी दोपहर में देखा जाएगा। ऐसे ही करती हूँ। हाँ मम्मी जी, आज क्या हो गया तुझे? इतनी देर कोई सोता है? टाइम देखा है क्या टाइम हो रहा है? आज तो मम्मी मैं सुबह ही उठ गई थी, और सुबह उठते ही ना मैं सीधे छत में चली गई। कल मैं छत में गई थी मम्मी, मैंने देखा इतना ज्यादा कूड़ा पड़ा हुआ था वहां पे, बहुत ज्यादा गंदगी थी। मैंने तो कल ही सोच लिया था कि मैं सुबह उठते ही इसकी सफाई कर दूंगी, तो मैं बस सफाई करने लगी थी वहां पे, और मैं अभी नहा के आई हूँ इसलिए लेट हो गई। चल ये भी शुक्र है, कम से कम तूने बारिश आने से पहले छत की सफाई कर दी, वरना सारा कूड़ा पाइप में भर जाता। घर में और किसी को तो फिक्र ही नहीं है कहाँ गंदगी पड़ी है कहाँ नहीं पड़ी है। जब घर को अपना मानेंगे तब ना। हाँ जी मम्मी जी। मम्मी मैं पानी पीने जा रही हूँ, आपको पीना हो तो आपको भी दे दे। नहीं हमने अभी पिया है, तुमको पीना हो तो पी लो जाके। ठीक है मम्मी जी। और बताओ, तेरी देवरानी कह रही थी कि वो सो रही है, उन्हें तो अपने कमरा के अलावा कहीं उन्हें सफाई दिखती ही नहीं है। मम्मी जी खाने में क्या बनाऊं? क्या क्या सब्जी रखी है फ्रिज में? मम्मी जी फ्रिज में बैंगन और परवल रखे हुए हैं, कहो तो वही बना दूं। अरे नहीं, ये सब खा खा के ना मेरा जी उब गया है। ऐसा करो आज आलू के पराठे बना लो। ठीक है मम्मी जी, जो आप कहोगी वही बनेगा, आपका हुक्म सर आंखों पर। खाना है आलू के पराठे हैं, 2 घंटे किचन में कौन मरेगा गर्मी में इतनी। क्या करूं क्या करूं क्या करूं, यही करती हूँ। राधा क्या कर रही है तू? बस दीदी अलमारी लगा रही थी, वो मम्मी ने कहा है कि आज उनके लिए आलू के पराठे बना दे। पर दीदी सुबह की तो आपकी बारी है, और मैं अलमारी भी लगा रही हूँ, जैसा उन्होंने कहा था वैसा मैंने कह दिया। अब उनका मन था आलू के पराठे खाने का। चल ठीक है, अब जो सब्जी रखी है वही मैं बना दूंगी। अब उनका मन था खाने का, क्या करें हम क्या करें। चलो मैं मना कर दूंगी उनसे कि तुमने मना किया है। दीदी मना मत करना, मैं बना देती हूँ, इन कपड़ों की तह मैं बाद में कर लूंगी। लो बहू, बहुत अच्छे बनाए थे आज तुमने पराठे, जैसा मेरा मन था बिल्कुल वैसे ही बने थे, मजा आ गया खा के। लो मेरी प्यारी मम्मी जी मेरे से कुछ कहें और मैं करूं ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। खुश रहे बहू, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। ये थोड़ा बहुत अपनी देवरानी को भी सिखा दे कुछ। सिखा दूंगी मम्मी, अभी उसकी खेलने खाने की उम्र है, मौज करने दो, अभी सिखा दूंगी मैं। बहू
जाते टाइम लाइट बंद कर देना कमरे की, अब मैं आराम करूंगी। ठीक है मम्मी जी, आप आराम करो, अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। नमस्ते भाभी। अरे दीदी, आप तो अचानक ही आ गई, आपने तो सरप्राइज दे दिया। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस बर्तन साफ किए थे तो वही मैं लगा रही थी। आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। ठीक है भाभी। अच्छा हुआ बेटा जो तुम आ गई, मेरा बहुत मन कर रहा था तुमसे मिलने के लिए। सच बताऊ मम्मी, याद तो मुझे भी बहुत आ रही थी तुम सब लोगों की। अरे दीदी, आप कब आए? हो गए भाभी 15-20 मिनट। काम हो गया बहू साहब? हाँ जी मम्मी जी, बस अभी अभी बर्तन साफ करके आई हूँ। कुछ नहीं, बस बर्तन साफ किए थे तो वही मैं लगा रही थी। भाभी, दीदी, भाभी वो प्रेस कहाँ है? मुझे सूट में प्रेस करनी थी। अरे लाओ ना, मैं कर देती हूँ। अरे नहीं भाभी, मैं कर लूंगी, बस आप मुझे प्रेस दे दो। अरे भाभी के होते हुए आप काम करोगी? नहीं दीदी, मैं कर देती हूँ प्रेस, आप लाओ। अरे नहीं भाभी, मैं कर लूंगी, बस आप मुझे प्रेस दे दो। अरे नहीं दीदी, मुझे दे दो, मैं कर दूंगी। मम्मी जी बोलो ना दीदी से। अरे दे दे सुशीला, कह रही है तो। अच्छा तो ठीक है, लो कर दो आप। भाभी। हाँ दीदी। भाभी आप चाय पियोगी? मैं चाय बनाने जा रही थी। भाभी ये सूट आपको बड़े भाभी ने दिया था? हाँ उन्होंने ही दिया था, आपने ही तो कहा था कि छोटी भाभी को दे दो। दीदी आप बैठो, मैं अभी आपके कपड़ों में प्रेस करके और अभी चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। भाभी आप इतनी भोली क्यों हो? आपको पता भी है बड़ी भाभी आपके साथ। जानती हूँ दीदी, फिर भी आप। क्या करूं, दीदी ने मम्मी पे पता नहीं कौन सा जादू कर दिया है कि उनको मेरी बात पे किसी पे भी इतनी यकीन ही नहीं होता है। और मैंने तो एक बार कहने की कोशिश भी की थी उनसे, पर वो मेरी बात सुनती ही नहीं है। दीदी मम्मी मेरी किसी भी बात का यकीन ही नहीं करती है, इसलिए मैंने कहना ही छोड़ दिया। भाभी अगर आप चाहो ना तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। आपको पता है क्या करना है? आपको बस इतना करना है। मम्मी आपको छोटी भाभी किचन में बुला रही है। ठीक है, महारानी से उठ के नहीं आया गया, मैं पूछने जाऊं कि वो क्या पूछ रही है। भाभी क्या कह रही है? मम्मी जी मैं मैगी बना रही थी तो मैं ये पूछ रही थी कि चटपटा बनाओ या सिंपल। ये तो तू कमरे में आके भी पूछ सकती थी ना। वो मम्मी जी तब मैं आटा गूंद रही थी, मेरे लिए सादी सिंपल बनाना, मेरा बीपी बहुत तेज हाई हो जाता है। ठीक है मम्मी जी, मैं यही पूछ रही थी। हाँ ठीक है, ला मैं दे देती हूँ। ठीक है दीदी, तू और काम कर ले। लो मम्मी जी, मैंने आपके लिए गर्मा गर्म मैगी बनाई है स्पेशल। तूने बनाया है? हाँ जी मम्मी जी, मैंने बनाया है। कम मसाले वाली कौन सी है इसमें? कम मसाले वाला? मम्मी जी
कम मसाले वाला, कम मसाले वाला। मम्मी वो जो कटोरी अलग से रखी है ना, वो सिंपल वाली है। अब जिसने बनाया है उसी को तो पता होगा कम मसाले वाली कौन सी है। मम्मी जी वो, तू इस घर की बड़ी बहू है, कम से कम बड़े वाले काम भी कर लिया कर।